संगठित हैं, शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में किसी प्रकार की दखलंदाजी में मंजूर नहीं है। हम इस माध्यम से 21 तारीख को संपूर्ण भारत में भारत बंद का आह्वान किया है। तो व्यापारी भाई से निवेदन है, क्योंकि सुबह 8 बजे एक आवत होंगे। संविधान किसी के बाप की बापोती नहीं है क्या? संविधान किसी के बाप की बापोती नहीं है, जिसे खत्म कर देंगे। संविधान किसी के बाप की बापोती नहीं है, जो इसे खत्म कर देगा, जो ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हुआ है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हुआ है, जो इस संविधान को छेड़ेगा हम उसे छेड़ देंगे क्या? हम उसे उखाड़ फेंकेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम उस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इसके खिलाफ में गलत है। हमारा संदेश ये प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, तुरंत लोकसभा बुला करके एक आदेश जारी किया जाएगा, इस फैसले को नहीं माना जाएगा, यथात रहेगा। समय पे काम नहीं किया गया, जनता बहुत तेज है, बदलाव आने में कोई टाइम नहीं लगता है। हम चाहेंगे प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय समय को पहचानिए। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, जनता का माहौल है, रात रात भगना पड़ा वहाँ के प्रधानमंत्री को। तो ये मामला एसटीएससी का, 55 करोड़ जनता है यहाँ की एसटीएससी, और माइंड योर साथ में हमारे कहाँ बचेगा? 1 अरब पूरे वर्ल्ड के अंदर आरक्षण से क्रीम लेयर का जो चल रहा है मैटर, हम क्रीम लेयर के बिल्कुल खिलाफ है, और SC ST के आरक्षण के लिए हम SC ST के साथ मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर क्रीम लेयर लागू किया गया तो SC ST के साथ मुस्लिम भी ईंट से ईंट बजा देगा।